आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 में एक्सरसाइज 3.3। 3.1 और 3.2 हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिनमें वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन भी थे और ग्राफिकल ग्राफ के क्वेश्चन भी थे। आज हम जो एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं 3.3, उसमें आप पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके बारे में पहले ही मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, बट आज जो हम मेथड पढ़ रहे हैं ये एक्सरसाइज बेस स्पेशली सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए है। 3.4 जब आप पढ़ेंगे वो एक्सरसाइज स्पेशली एलिमिनेशन पे बेस्ड है, और 3.5 में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आएगा। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एलिमिनेशन के बारे में आपको बता चुका हूँ मैं। अब हम सीक्वेंसली इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिनमें बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर भी सकते हैं अपने आप, और जो आप नहीं कर सकते हैं, जो क्वेश्चन आपको नए लगेंगे उनको मैं खुद यहाँ पे बोर्ड पे करके दिखाऊंगा। इसके साथ साथ इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं, वो भी हम देखेंगे। तो आप स्टार्ट करते हैं 3.3। सभी बच्चे ध्यान से देखें, 3.3 में से कुछ क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख लिए हैं। अब ये वो क्वेश्चन है जिन्हें देख के कई बार बच्चे डर जाते हैं और सॉल्व करने से पहले ही हार मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें यहाँ अप्लाई करना है, और सब्स्टिट्यूशन मेथड जैसे मैंने आपको बताया था, सब्स्टिट्यूट फाइंड करना, उसके बाद उसको सॉल्व करना, वही सब कुछ यहाँ करना है। बस डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पे हमें क्वेश्चन फ्रैक्शन में दिया हुए हैं, दोनों इक्वेशन फ्रैक्शन में दी हुई है। यहाँ पे जो इक्वेशन हमें दी हुई है ये अंडर रूट्स में दी हुई है, और यहाँ पर डेसिमल में दी हुई है, तो इनमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तरीका वही रहेगा, प्रोसेस वही रहेगा, बस आपको उनको सिंपल में कन्वर्ट करना है। एक बार यहां देखें, पहले सभी बच्चे ध्यान से देखें, इसका सॉल्यूशन मैं कर रहा हूं। हम इसको सॉल्व करते हुए सबसे पहले ये फ्रैक्शन वालों को हम सिंपल में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन का एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से देखें, ऊपर वाले दोनों का एलसीएम लेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं आप 3/2x है, यहाँ 5/3y है, यहाँ x/3y/2 और इक्वल्स टू -2 और इक्वल्स टू 13/6। तो ध्यान से देखें सभी बच्चे, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं 3 और 2 का, तो 6 आ जाएगा, और यहाँ से इधर मतलब 2 से 3 टाइम कैंसिल होगा, तो 3 3 9x, और यहाँ पे आ जाएगा 2 5 10y इक्वल्स टू -2, और सेकेंड इक्वेशन में भी एलसीएम आपका 6 आएगा, तो ये हो जाएगा 2x + 3y = 13/6। अब इसके बाद आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, तो आपके पास 9x - 10y = -12 ये फर्स्ट इक्वेशन मिलेगी आपको, और 2x + 3y = 13 ये सेकेंड इक्वेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि ये 6 से 6 कट जाएगा, अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे तब भी ये 6 यहाँ जाएगा इंटू में, फिर ये कट जाएगा, इससे आप इसको यहाँ भी काट सकते हैं। ठीक, अब आपके पास ये दो इक्वेशंस आ गई, और इन दोनों इक्वेशंस को आप देखें बिल्कुल सिंपल फॉर्म में है। आपको सब्स्टिट्यूट फाइंड करना है, मैं करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखें। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो ये फर्स्ट इक्वेशन 9x - 10y है, इससे हम -12 उधर है, 10 को उधर लेके जा रहे हैं, तो ये +10y हो जाएगा, और यहाँ से x का सब्स्टिट्यूट आप निकालेंगे तो -12 + 10y और अपॉन में 9, ये आपका सब्स्टिट्यूट निकल गया x का। अब इस x के सब्स्टिट्यूट को, मैंने कहा था एक इक्वेशन से आप सब्स्टिट्यूट फाइंड करेंगे तो दूसरी इक्वेशन में उसको पुट करना होता है, तो यहां पे लिखो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन आपके सामने ये रही, 2x + 3y = 13, तो 2 × x है, तो x की जगह हम x की वैल्यू रख रहे हैं। बेटा ध्यान से करना ये काम आप लोग, 10y / 9 और उसके बाद है +3y = 13, ये 9 है, इससे कटता नहीं है, तो उससे सीधे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, -24x + 20y, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपका अपॉन में 9 लिख लें पहले, और +3y = 13। अब ध्यान से देखिएगा, इसका अपॉन में 1 लेके एलसीएम ले लेते तो पूरा 9 आ जाएगा, और ये -24 + 20y एज इट इज आएगा, और ये 9 3 27y और = 13। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इनको भी सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे -24 और ये 47y और = 13 × 9 117। अब ये -24 उधर चला जाएगा, तो
तो 47y = 117 + 24, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 24 है ये, 117 में ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा y = 7 + 4 = 11 2 3 4 141 और अपॉन में 47, तो 47 से 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा ये 47 3 जा 141, ठीक है। तो y का वैल्यू आपके पास 3 आ गया, ठीक है। अब इस y की वैल्यू को आप यूज कर लें फर्स्ट इक्वेशन में, चाहे तो सेकंड में, या फिर इन दिस कंडीशन इसको आप थर्ड भी नाम दे सकते हैं। यहां पे लिखें ऑन पुटिंग y = 3 इन थर्ड इक्वेशन, इन इक्वेशन थर्ड, तो थर्ड आपके पास है x = -12 + 10 × y, y का वैल्यू 3 आया बेटा आपके पास और अपॉन में 9, तो ये हो गया आपके पास, देखें ध्यान से, -12 + 30 और अपॉन में 9, तो फाइनली x का वैल्यू आ जाएगा, देखिए 18 upon 9, इट इज 2, तो आपका x आ गया बेटा 2। तो इस तरह से आपने x और y का वैल्यू निकाला बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये क्वेश्चन आपने देखा फ्रैक्शन में दिया गया था हमें, बट फ्रैक्शन में देख के हमें क्वेश्चन को डरना नहीं है, उसको सिंपलीफाई करना है, मैनिपुलेट करना है, सिंपल में कन्वर्ट करना है, उसके बाद सॉल्व करना है। इसके बाद आपके फर्स्ट क्वेश्चन का ही एक पार्ट ये भी है, फिफ्थ पार्ट है शायद ये वाला, और इसमें अंडर रूट्स में दिया हुआ है, और अंडर रूट्स में होने के बावजूद भी बच्चे कई बार अंडर रूट में अगर क्वेश्चन है तो बच्चे इसको भी देख के डर जाते हैं, जबकि आपको अपनी कैलकुलेशन का तरीका वही रखना है, सब कुछ वैसा ही करना है जैसे हमने किया। अब इसको मैं एक बार सिंपलीफाई करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखें। जब आप इसको करेंगे तो लिखें यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन से आप इसको सब्स्टिट्यूट निकाल रहे हैं, चाहे तो x का निकाल लें या y का, किसी का भी निकाल सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, अब आप √2x = और ये √3 0 − √3y हो जाएगा, तो ये −√3y हो गया, और x का फाइनल जो वैल्यू आया, जो सब्स्टिट्यूट आया, दैट इज √3 upon √2 माइनस में है, और ये आपका सब्स्टिट्यूट आ गया x का, और इस x के सब्स्टिट्यूट को आपको यूज करना है बेटा, लिखो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, सेकेंड इक्वेशन देखें √3 के साथ है x, तो यहां पर आप √3 के साथ x का वैल्यू रखेंगे √3 by √2y और −√8y और = 0। अब ध्यान से देखिए इसको आप अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये √3 × √3, तो −3 upon 2y −√8y = 0। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे रूट टू रहेगा अपॉन में, अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ आप इसमें y कॉमन भी ले सकते हैं, और y कॉमन लेके जो भी टर्म बनेगी उसको 0 का अपॉन में ले जाके 0 भी कर सकते हैं। अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो √2 इनका एलसीएम आ गया −3y और यहाँ पे हो जाएगा √2 और ये 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √16 होगा और √16 का हो जाता है 4 और = 0। ध्यान से देखिएगा बेटा ये √8 था और √2 से अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो √16 हो जाएगा और √16 का जो रूट आएगा वो 4 आ जाएगा और इस तरह से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 7y = 0 देन y = 0 तो y का वैल्यू आपके पास 0 आ गया। फिर से वही इस वैल्यू का फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड में थर्ड में कहीं भी पुट कर सकते हैं तो लिखें ऑन पुटिंग y = 0 इन इक्वेशन थर्ड, थर्ड आपके पास है x = −√3 upon √2 × 0 तो y का वैल्यू 0 पुट कर दिया तो आपके पास −√3 upon √2 × 0 तो x भी 0। तो इस तरह से आप देख रहे हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करके सॉल्यूशंस फाइंड कर रहे हैं, x और y की वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं। इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन इसका अगला एक पार्ट और है, इसी में फोर्थ पार्ट है जिसमें डेसिमल दिया हुआ है, देखें सभी बच्चे जी हाँ 0.2x + 0.3y = 1.3 और 0.4x + 0.5y = 2.3। इन दोनों क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, ये डेसिमल में है और डेसिमल में होने का मतलब ये नहीं कि ये क्वेश्चन हमारी बियॉन्ड रीच है, इसको हम सब में देख रहे हैं आप
डेसिमल वन डिजिट पे है, मतलब वन डिजिट के पहले है, तो सबको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ऑन मल्टीप्लाइंग तो ये सिंपल इक्वेशन बन जाएगी, बोथ इक्वेशंस बाय 10। जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, और ये हो जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। नाउ यू हैव योर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया ताकि आप इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल पहले वाले प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही सॉल्व करें, ठीक है। और आई होप ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो सेकेंड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए बच्चे 5 या 6 पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स को आप इजीली कर सकते हैं इसके बाद। और क्वेश्चन नंबर 2 देखें, सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, आपको बोला गया है सॉल्व दिस इक्वेशन। ये जो सॉल्व बोला गया है, सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, और सेकेंड इक्वेशन है बेटा इसमें 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24। यह आपका फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन। यहां पर भी आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है, और उसके बाद आपसे इस क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ y इक्वल टू mx प्लस 3। फाइंड m बोला गया है बेटा आपको इसमें, फाइंड m, और कंडीशन आपको गिवन है इफ y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो आपको सिंपली क्या करना है, x और y का वैल्यूज फाइंड करना है इन दोनों से, और जो x और y की वैल्यूज आएंगी उनको यहां पे रख देना है। ध्यान से देखें एक बार, तो हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका, और लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशंस, लिखें यहां पर आप 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। फर्स्ट इक्वेशन जैसे था आपका, ये सेकंड है, तो लिखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो 2x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y और x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y अपॉन 2। फिर से वही x का सब्स्टिट्यूट निकाल दिया आपने, और x का सब्स्टिट्यूट निकालने के बाद आपको इसको ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड इक्वेशन ध्यान से देखें बेटा, 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू मैं रख रहा हूं, माइनस 3y अपॉन 2 दिया हुआ है, और माइनस 4y और माइनस 24, 2 से 2 देखो कैंसिल हो गया, आपके पास बचता है 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24 माइनस 7y माइनस 24 और माइनस 11, ठीक है। तो आपका y का वैल्यू हो जाएगा देखो माइनस 24 और माइनस 11 35, ठीक है, और अपॉन में माइनस 7, ये माइनस 7 अपॉन में आ गया, यहां से माइनस कैंसिल और 7 5 35। तो आप देख रहे हैं y का वैल्यू निकल गया आपका 5। अब ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, एज यूजुअल आप इसको थर्ड मान लें, तो ये x का वैल्यू देगा आपको 11 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 2, और ये आ गया आपका 11 माइनस 15 अपॉन में 2। तो यहां देखिए ध्यान से माइनस 4 अपॉन 2 आ गया 11 माइनस 15, और ये माइनस 2 x का वैल्यू आपका। उसके बाद जो कंडीशन आपको गिवन है बेटा क्वेश्चन में, उसको ध्यान से देखें, वो है बिकॉज वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3। आपको y का वैल्यू यहाँ पुट करना है, y का वैल्यू क्या है आपके पास, यहाँ देखें 5 है y का वैल्यू, यहाँ पे 5 रख दें, और m का वैल्यू हमें फाइंड करना है, और x का वैल्यू हमारे पास है माइनस 2 और प्लस 3। अब सॉल्व करेंगे तो ये 3 प्लस का इधर आ जाएगा, तो 5 माइनस 3 और m माइनस 2m हो गया ये, और 5 माइनस 3 कितना होगा बताएं, 5 माइनस 3 2 और 2 अपॉन माइनस 2 इक्वल्स टू m, और यहां से आप इसको काट देंगे तो m का वैल्यू आपके पास आ गया माइनस 1। एक बार फिर से एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं इसकी, ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। सब्स्टिट्यूट हमने निकाला यहां से 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24, फर्स्ट इक्वेशन लिया आपने,
2x इक्वल टू 11 माइनस 3y और x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2। इसको मैं पुट किया सेकंड इक्वेशन में, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 था, 2x माइनस 4y माइनस 24, 2 इनटू x 11 माइनस 3y अपॉन 2 से 2 काट दिया बेटा यहाँ पर हमने, और अब एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। 11 माइनस 3y रह गया माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, 11 उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा साइन इसका, माइनस 3 और माइनस 4 माइनस 7 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 35, दोनों ऐड हो गए माइनस माइनस और ये माइनस 7 अपॉन में चला जाएगा, माइनस कैंसिल 7 5 35, y इक्वल टू 5। y का वैल्यू हमने पुट किया थर्ड कंडीशन में, थर्ड कंडीशन क्या था हमारे पास, x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2, तो 3 इंटू y 5 था y का वैल्यू, ये पुट कर दिया यहाँ पर हमने, 3y जो 15, 11 माइनस 15 माइनस 4 और अपॉन 2 तो माइनस 2 आ गया। अब x का वैल्यू माइनस 2 है और y का वैल्यू 5 और y इक्वल टू mx प्लस 3 में रखना है, तो y का वैल्यू 5 पुट किया, m इंटू x का वैल्यू माइनस 2 और प्लस 3, 3 को इधर ले आएंगे प्लस को तो माइनस में आ जाएगा, 5 माइनस 3 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, देखें ध्यान से, 5 माइनस 3 2 आ गया और ये वाला माइनस 2 अपॉन में आएगा तो m का वैल्यू माइनस 1। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद आते हैं बेटा स्टेटमेंट वाले, आई होप ये वाला पोर्शन आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 के बेटा 5-6 पार्ट्स हैं, 5 और 6 पार्ट्स में से हमने 2-3 पार्ट्स यहाँ पे कर दिए हैं सॉल्व, इस पे आई होप कि जो बाकी पार्ट्स हैं वो आप इजीली कर पाए, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा और किसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये फ्रैक्शन में था, ये अंडर रूट में था और ये डेसिमल में था, इसलिए ये क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाए हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखिए नीचे थर्ड क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, एक बार ध्यान से देखें सभी बच्चे अपनी बुक्स में। जी हाँ, क्या कहते हैं, देखो वर्ड प्रॉब्लम सबसे पहला क्वेश्चन है सम, हाँ देखें सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं आपका, सम ऑफ टू नंबर्स, आपको दो नंबर्स दिए हैं, सॉरी डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। दो नंबर्स आपको दिए गए हैं और दोनों नंबर्स का डिफरेंस आपको दिया गया है और एक नंबर का दूसरे नंबर से रिलेशन भी आपको दिया गया है। एक बार देखें ध्यान से फिर से क्वेश्चन में कहता है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब देखें एक बार इधर ध्यान से, दो नंबर्स है बेटा, दोनों का डिफरेंस 26 है, हमें नहीं पता क्या है दोनों नंबर, मान लेते हैं एक नंबर x है और जब दो नंबर्स का डिफरेंस है तो उसका मतलब एक नंबर बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो लार्जर नंबर x मान लें या स्मॉलर नंबर x मान लें, कुछ भी मान सकते हैं। तो लार्जर नंबर आप अगर x मान लेते हैं और स्मॉलर नंबर y मानते हैं तो सबसे पहली कंडीशन तो ये है उनका डिफरेंस दिया हुआ है आपको 26, तो x माइनस y 26 और फिर कहता है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, ऑब्वियसली लार्जर नंबर ही 3 टाइम होगा स्मॉलर का, तो लार्जर नंबर x है, x इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ y, ठीक है। तो इन दोनों कंडीशन से आप इक्वेशन बनाएंगे, सबसे पहले आप यहां पे लिखेंगे लेट लार्जर नंबर बी x एंड लेट स्मॉलर नंबर बी y। तो फर्स्ट जो कंडीशन है बेटा आपकी, वो फर्स्ट कंडीशन आपको ये बताती है दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 26, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है आपके सामने। इसके बाद सेकंड कंडीशन देखें, सेकंड कंडीशन में आपको बोला गया है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो वन नंबर मींस लार्जर नंबर ही होगा, लार्जर नंबर x है जो कि स्मॉलर नंबर का 3 टाइम, आप ऐसे भी लिख सकते हैं समझने के लिए, लार्जर नंबर इक्वल्स टू 3 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। तो लार्जर नंबर आपका x है, इट इज 3 टाइम्स ऑफ y, तो इसका मतलब x माइनस 3y इक्वल्स टू 0, यू विल गेट द सेकेंड इक्वेशन। और अब इन दोनों इक्वेशंस का आपको ग्राफ नहीं बनाना जैसे पिछली एक्सरसाइज में बनाना था, यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है और x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है जो आप इजीली कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे आप, इसमें आपको x और y दोनों की वैल्यूज मिलेगी और वही लार्जर नंबर x होगा और स्मॉलर नंबर y होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक बार सभी बच्चे ध्यान दें अपने अपनी बुक्स में देखें, द लार्जर बिल्कुल इसी पे बेस्ड है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं हमारे पास और उन सप्लीमेंट्री एंगल्स में जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर से 18 डिग्री एक्सीड है, मतलब लार्जर नंबर
लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। भाई सप्लीमेंट्री क्या होते हैं, आपने आपको पता है एंगल्स के बारे में, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री का मतलब जिन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। जी हाँ, अब दो सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात की है इसने। जब दो सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात की है तो उसने ये बोला है जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री एक्सीड है। इसका मतलब देखें फिर से वही, हम यहां पर क्या करेंगे, सेकंड पार्ट लेंगे इसका और लिखेंगे लेट लार्जर एंगल बी एक्स डिग्री और लेट स्मॉलर एंगल बी वाई डिग्री। और फर्स्ट कंडीशन में उसने बोला लार्जर एंगल इक्वल टू स्मॉलर एंगल प्लस 18 डिग्री। यहां पे एंगल का साइन बनाया मैंने, लार्जर एंगल इक्वल्स टू स्मॉलर एंगल प्लस 18 डिग्री, मींस लार्जर एंगल एक्स है स्मॉलर एंगल वाई है तो वाई प्लस 18, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 18 डिग्री। ये इक्वेशन कैसे बनी है, क्लियर हुआ आपको? उसने बोला कि लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स स्मॉलर इज एक्सीड 18 डिग्री बाय स्मॉलर, मतलब जो दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं उसमें लार्जर स्मॉलर से 18 डिग्री एक्सीड है, तो लार्जर इक्वल्स टू स्मॉलर प्लस 18, वी आर गेटिंग द इक्वेशन। सेकंड कंडीशन हिडन है बेटा यहाँ पे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कई बार हमारे पास क्वेश्चन में एक ही कंडीशन आएगी बट वी नीड टू कंडीशंस फॉर टू इक्वेशन, ठीक है? बट यहाँ पे एक कंडीशन दिख रही है, दूसरी हिडन है। हिडन क्या है, सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है 180 डिग्री, तो आप यहां पर लिखेंगे सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स जब दो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनका सम होता है बेटा 180 डिग्री, इट्स मीन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब जब आप इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन सॉरी सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी और वो दोनों वैल्यूज इसको भी सेटिस्फाई करेंगी फर्स्ट इक्वेशन को और सेकेंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगी और वही आपका दोनों वही सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे दोनों जो जिनका सम 180 होगा और एक एंगल दूसरे से 18 डिग्री एक्सीड होगा। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है कोच वाला, तो वो क्रिकेट टीम के कोच वाला क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं और ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करें। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाए। थर्ड क्वेश्चन को कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम वाला है, मैंने बताया था आपको बैट और बॉल उनका कॉस्ट सेलेक्ट करना होता है। इसके बाद जो फोर्थ पार्ट है वो देखें ध्यान से बेटा, टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर पर किलोमीटर। आपके क्वेश्चन में दिया है कि एक सिटी में टैक्सी का जो चार्ज है वो उसका कुछ पार्ट तो फिक्स है और बाकी इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है। सपोज दैट आप किसी सिटी में जाते हैं और वहां पे टैक्सी हायर करते हैं और जब आप टैक्सी हायर करते हैं तो टैक्सी वाले से आपने पूछा कि सर हमें इतना डिस्टेंस जाना है कितना चार्ज लोगे, तो उन्होंने बताया कि सर एक्स तो फिक्स है वो तो आपको पे करना ही पड़ेगा और वाई रुपीज पर किलोमीटर भी आपको सब्सिक्वेंट डिस्टेंस का पे करना पड़ेगा, तो वाई रुपीज भी पे करना पड़ेगा एक्स भी पे करना पड़ेगा। व्हाट इट्स मीन, इसका मतलब ये है कि जो आप ट्रेवल कर रहे हैं उसका वो पर किलोमीटर चार्ज आपसे ले रहा है फॉर मान लेते हैं उसका फ्यूल का एक्सपेंस है उतना ही वो पर किलोमीटर आपसे चार्ज ले रहा है और जो फिक्स चार्ज वो आपसे ले रहा है वो फिक्स चार्ज एज अ डेप्रिसिएशन ऑफ हिज व्हीकल, जो उसकी जो व्हीकल है उसका जो कार है या जो भी टैक्सी है उसका डेप्रिसिएशन भी ले रहा है वो आपसे, वो फिक्स चार्ज के फॉर्म में ले रहा है और पर किलोमीटर चार्ज जो आपसे वो ले रहा है वो उसके पेट्रोल उसके फ्यूल का खर्चा है, तो फिक्स चार्ज जो आपको आपको देना पड़ रहा है वो उसका अपना सेविंग है या वो उसका अपना दूसरी टैक्सी के लिए, नहीं तो अगर ऐसा होगा कि वो आपसे फ्यूल का ही चार्ज लेगा तो एक दिन उसका तो टैक्सी खत्म हो जाएगा फिर उसके पास कुछ नहीं बचेगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, तो फिक्स चार्ज कुछ इस तरह का आप मान सकते हैं। तो उसने बोला है कि एक तो फिक्स चार्ज है, तो ये मान लेते हैं कि हमें अगर टैक्सी में ट्रेवल करना है तो एक्स फिक्स चार्ज है हमारा और वाई रुपीज पर किलोमीटर उसका जो फ्यूल चार्ज है या टैक्सी चार्ज है वो अलग से हमें पे करना है। मान लो मुझे 10 किलोमीटर जाना है
अगर मैं 10 किलोमीटर का ट्रेवल कर रहा हूं तो मुझे एक्स रुपीज तो देना ही है उसको, और वाई रुपीज पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग भी देना है 10 किलोमीटर के लिए। और ये फिक्स चार्ज क्यों देना है मैं आपको बता चुका हूं, और वाई रुपीज पर किलोमीटर क्या है वो भी मैं आपको बता चुका हूं। तो एक्स तो आपको पे करना ही करना है, प्लस 10 किलोमीटर के लिए 10y और पे करना है, तो x प्लस 10y ये आपका टोटल चार्ज बनेगा। और हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है अगर 10 किलोमीटर आप जाते हैं तो यू विल हैव टू पे 105 रुपीज, और अगर आप 15 किलोमीटर जाते हैं यू विल हैव टू पे 155 रुपीज। तो इसके बेस पे देखो 10 किलोमीटर का भी चार्ज आपको दिया है क्वेश्चन में, 15 किलोमीटर का भी चार्ज आपको दिया है क्वेश्चन में, आपको इन दोनों के बेस पे इक्वेशन बनानी है। मतलब आपको एक्स और वाई के बेस पे 10 किलोमीटर का चार्ज और 15 किलोमीटर का चार्ज फाइंड करना है, और फिर उनको इक्वेट करना है गिवन वैल्यूज को। ठीक है, तो देखें एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें फिर से। मैंने आपको बताया था बेटा बार बार आप क्वेश्चन को रीड करें, और जितनी बार आप क्वेश्चन को रीड करेंगे उतना बेहतर आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब देखें तो लेट फिक्स्ड चार्ज बी एक्स रुपीज और लेट पर किलोमीटर चार्ज, पर किलोमीटर का जो चार्ज हम ले रहे हैं वो वाई रुपीज है, और फर्स्ट कंडीशन में बेटा फर्स्ट कंडीशन में उसने बोला चार्ज फॉर 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर का जो टोटल चार्ज उसने हमें दिया हुआ है दैट इज 105 रुपीज। ठीक है, ध्यान से देखो, तो हमारे अकॉर्डिंग ये हो गया एक्स प्लस 10y इक्वल्स टू 105, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। और उसके बाद सेकंड कंडीशन में उसने बोला चार्जेस फॉर 15 किलोमीटर, चार्ज फॉर 15 किलोमीटर, ध्यान देना बेटा, और ये है रुपीज 155। तो 15 किलोमीटर का जो चार्ज है वो 155 है। तो आप देखें जरा 15 किलोमीटर का चार्ज हम किस तरह से दिखाएंगे, ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। 15 किलोमीटर का चार्ज होगा बेटा, यहां देखो x तो फिक्स है ही, 15 किलोमीटर के लिए 15y पे करना पड़ेगा, और ये आ जाएगा 155 रुपीज। इट विल बी योर सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे तो आपको x और y का वैल्यू मिलेगा, और x का वैल्यू फिक्स चार्ज होगा और वाई पर किलोमीटर चार्ज। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने हमसे कुछ और पूछा है, एक्स और वाई का वैल्यू तो आप फाइंड करेंगे बेटा, इसमें एक्स और वाई के क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिए हैं यहां पर, ये वैल्यूज आपको फाइंड करनी है बाय सब्स्टिट्यूशन। इसके साथ उसने ये कहा है टोटल चार्ज फॉर 25 किलोमीटर पूछ रहा है, वो टोटल चार्ज फॉर 25 किलोमीटर। तो इसके लिए जो आपका आंसर होगा दैट विल बी एक्स प्लस 25y, जो x और y की वैल्यूज आएंगी वो वैल्यूज आपको यहां पर पुट करनी होंगी तब आपका वो आंसर, अदरवाइज आपका आंसर ये वाला आपका आंसर मैच करेगा ये वाला नहीं। x और y की जो वैल्यूज है वो तो आपको फाइंड करनी ही है, उनके बेसिस पे आपको 25 किलोमीटर का चार्ज फाइंड करना होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर, जानते हैं सभी बच्चे। जब फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन कभी भी आए ये ध्यान रखना बेटा, फिक्स चार्ज वाला मैंने बताया ही आपको, ऐसे ही फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन अगर कभी भी आता है तो उसमें आपको एक न्यूमरेटर लेट करना पड़ता है और एक डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर आप एक्स लेट कर लें अगर और डिनोमिनेटर वाई, तो फ्रैक्शन क्या बनेगा, फ्रैक्शन बनेगा एक्स अपॉन वाई। क्या बनेगा फ्रैक्शन, x अपॉन y, न्यूमरेटर आपने x लेट कर लिया, डिनोमिनेटर y, और उसके बाद वो उस फ्रैक्शन में रेस्पेक्टिव चेंजेस करवाता है। कभी कहते हैं फ्रैक्शन में हम 2 ऐड कर दें, सॉरी न्यूमरेटर में हम 2 ऐड कर दें, डिनोमिनेटर में 2 माइनस कर दें, तो फ्रैक्शन 3/4 बन जाता है। तो उसका मतलब क्या हुआ, आपका जो फ्रैक्शन x अपॉन y है उसका न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है, आपने न्यूमरेटर में 2 ऐड किया तो +2 करेंगे आप, और डिनोमिनेटर में 2 माइनस किया तो वाई माइनस 2 करेंगे आप, और वो फ्रैक्शन इक्वल टू रखना होगा आपको जो उसने नया फ्रैक्शन दिया हुआ है, जैसे 2/3, 5/4, कुछ भी इस तरह से आपको दे सकता है। ये क्वेश्चन एक बार रीड करें, क्या कहता है देखो, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। एक फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर दें, एंड
इफ थ्री इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। इधर देखें ध्यान से बोर्ड पे सभी बच्चे, जब फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आएगा बेटा तो आपको क्या करना है ध्यान से देखिएगा। ये है आपका पार्ट नंबर फिफ्थ, लेट न्यूमरेटर बी एक्स और लेट डिनोमिनेटर बी वाई द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या बन जाएगा ध्यान से देखें, फ्रैक्शन होगा बेटा आपका x अपॉन में y, और इसके साथ साथ देखिए फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या कहती है, फर्स्ट कंडीशन में वो बोलता है फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। हमने कहा ठीक है 9/11 बन जाता है, लेकिन कब, इफ 2 इज एडेड टू बोथ, न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर रहे हैं डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर रहे हैं एंड फ्रैक्शन इज विल बिकम इक्वल टू 9/11। और यहां से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें बेटा, क्योंकि आपका टारगेट फ्रैक्शन को फाइंड करना नहीं है, आपका टारगेट है इक्वेशन को फॉर्म करना, और इक्वेशन बन जाएगा तो फ्रैक्शन तो अपने आप आएगा। ध्यान से देखें, उसने बोला न्यूमरेटर में ऐड करो 2 डिनोमिनेटर में ऐड करो 2, दोनों में 2 ऐड करने को बोला और फ्रैक्शन हो जाएगा 9/11। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x + 22 = 9y + 18। अब x और y वाली टर्म से एक साइड में लाना है, इक्वेशन बनाना आता है आपको, -9y = 18 -22 इट इज 11x -9y = -4। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। बिल्कुल ऐसे ही सेकंड कंडीशन में आए, उसने बोला इफ 3 इज एडेड टू बोथ, अब दोनों में 3 ऐड करें x + 3 और y + 3, तो फ्रैक्शन देखिए फ्रैक्शन क्या बन जाता है, अगर आप दोनों में 3 ऐड करते हैं इट बिकम्स 5/6। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं फिर से तो 6x + 18 = 5y + 15। तो 6x - 5y = 15 -18, 6x - 5y = -3। This is your second equation. अब इन दोनों को आप जब सॉल्व करेंगे by substitution method, आपको x और y का वैल्यू मिलेगा और उस x और y के वैल्यू से आपको फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। बेटा यहाँ देखिए फ्रैक्शन आपका x upon y है, तो फ्रैक्शन बनाने के लिए x को आपको न्यूमरेटर में रखना होगा और y को डिनोमिनेटर में, और उसके बाद आप उसमें 2 ऐड करके चेक कर सकते हैं ये 9/11 बन रहा है या नहीं, और उसमें 3 ऐड करके चेक कर सकते हैं ये 5/6 बन रहा है या नहीं। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है बेटा वो एज वाला क्वेश्चन है, वो आप लोग खुद करेंगे। एज वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, जब भी कोई भी एज वाले क्वेश्चन आता है आपको प्रेजेंट एज लेट करना होता है, एक का x और एक का y, और x और y एज लेट करने के बाद फिर आपको जितने ईयर एगो का रिलेशन दिया है उतने ईयर एगो जाना पड़ेगा, जितने ईयर लेटर बोलेगा उतने ईयर लेटर में जाना पड़ेगा, और जो रिलेशंस आपको दिए गए हैं उन रिलेशंस को बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके साथ साथ आपकी 3.3 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, जिसमें सारे मिक्स क्वेश्चंस हैं, सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड हैं, और हमें वर्ड प्रॉब्लम्स भी दी गई हैं जिन्हें हमें इक्वेशन में फॉर्म करना है। और बेटा ये ध्यान रखना, जब किसी क्वेश्चन में हमें दो कंडीशन गिवन ना हो, एक कंडीशन हो तो दूसरी हिडन कंडीशन क्या है वो आपको ढूंढना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, और इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे ओवर की जाती है, और नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करें। थैंक यू।